जरा देखें इन मासूम बच्चों को देखें, ये कहाँ सोते होंगे, कितनी परेशानी होती होगी, कैसे मैं के सोते हैं, कहाँ जाएंगे, खाते हैं कहीं, ये कहीं से आ जाता खाना ले ले, ईंट वगैरह जोड़ करके जी, सारा सामान इसी में टूट गया। नहाना धोना कैसे होता आप लोग, नहाना धुलाना किसी पड़ोसी के यहाँ चले जाते हैं। इन लोगों को मैं ये चाहता हूँ कि इन लोगों को पूरा इंसाफ मिले, मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि पीछे बेसहारा हो गए, फिर इनको इनकी परेशानी है, इनके बच्चे, इनके सब कुछ बर्बाद हो गया इस टाइम। कैसे रहती हूँ, अब तो धूप भी हो गई इतना, पहले तो ठंडी था, अब तो धूप हो गई है, बहुत परेशानी से हो रहे हैं, बच्चे बर्बाद कर दिए है, हम लोग को तो रहना ही पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे को पढ़ाई नुकसान हो रहा है, बच्चे सब चीज नुकसान हो रहा है, भाई सहारा कब तक पड़ोस करेगा, हम लोग तो बेघर से हो गए हैं, पड़ोस कब तक साथ देगा। अच्छा एग्जाम देने के लिए जा रही हैं, चलिए अच्छे से जाइएगा, दूसरों के यहाँ तैयार होके आई। ओहो ये देखें, ये बच्ची स्कूल इनको जाना है यूनिफॉर्म पहनने के लिए, किसी पड़ोस के घर जाती हैं, यूनिफॉर्म पहनती हैं, रेडी होकर तब स्कूल जाती हैं, मेरे बराबर की दो बच्चियां हैं, कहाँ जाती है वो लोग, वो रात में तो यहीं पे रहते सब, मगर सुबह में लैट्रिन बाथरूम बाहर चाचा चाचा के यहाँ जाती सब, यहीं क्यों तोड़वाया गया है ये नहीं बताया, इतना मुसीबत भरे हम, कम वक्त कोई हमारी इधर मदद करने के लिए नहीं, कोई मदद के लिए तैयार नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वोट लेने के लिए आते हैं यहाँ, बिल्कुल हाथ जोड़ जोड़ के आते हैं, हम आपके साथ हैं, ये बताइए वो कहाँ है इस टाइम, क्यों नहीं आ रही है यहाँ पूछने के, किस हाल में, रात बारिश थी, मौसम खराब हो रहा था, तो बताइए क्या करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए कि नहीं, अब की हमारी ये राय है हम किसी को वोट ऐसे नहीं देंगे बिल्कुल भी। पूछ रही हूँ कि आखिर ऐसा क्यों, यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करूंगी, महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करूंगी, आखिर ये सब जानबूझकर किया गया या कोई और साजिश हो सकती है, आइए यहाँ पर आइए आप लोग बैठे, मैं यहाँ पर भी जाने की पूरी कोशिश करूंगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। सर आपके यहीं रहने वाले हैं? जी यहाँ पे बराबर में ही रहता हूँ मैं। जी जी आप पड़ोस के हैं मतलब? जी हाँ मैं आप ये बताया पड़ोस के हैं, इन लोगों की इतनी परेशानी हुई है, घर तोड़ दिए गए हैं, अचानक से बुलडोजर चलाया गया है, आप लोगों को क्या लगता है क्या करना चाहिए इनके साथ, इंसाफ कैसे होना चाहिए? इन लोगों को मैं ये चाहता हूँ कि इन लोगों को पूरा इंसाफ मिले, मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि पीछे बेसहारा हो गए, फिर इनको इनकी परेशानी है, इनके बच्चे, इनके सब कुछ बर्बाद हो गया इस टाइम, एक इनका आशियाना था, वो एक बगैर सोचे समझे किसी का आशियाना कोई उजाड़ दे, ये अच्छी बात नहीं, बिल्कुल हमारी सरकार अंधी हो गई इस टाइम, कोई नहीं देख रहा इस चीज़ को, क्योंकि बेचारे बेसहारा लोग हो गए, अब ये किसके पास जाएँ, किससे कहें, क्या कहें, तो ये बहुत शर्म की बात है हम लोगों के लिए, बिल्कुल। चलिए नहीं है कहना मुश्किल है, लेकिन सवाल ये कि ये लोग अब रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, बहुत मुश्किल में, जो तस्वीरें मैं देख रही हूँ ज़मीन पर आकर इधर आते, इधर मैं बात करती हूँ आप लोगों से, ज़रा आप लोग बताएं कि रात में जिस तरीके से रह रही हैं आप लोग यहाँ पर, कैसे इतनी मुसीबत के साथ कैसे आप लोग यहाँ पर रहती हैं? कैसे रहती हूँ, अब तो धूप भी हो गई इतना, पहले तो ठंडी था, अब तो धूप हो गई है, बहुत परेशानी से हो रहे हैं, हाँ बच्चे भी बहुत परेशान है, दिन भर आप लोग इसी तरह ईंट पे बैठी रहती हैं, यहीं बैठी रहें, छाँ की वजह से यहाँ पे बैठती हैं, करना ही पड़ता है, अपनी ज़मीन है, क्या किया जाएगा, सब छोड़ कर जाना ही पड़ता है, सब तोड़ के बर्बाद कर दिए है, हम लोग को तो रहना ही पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे को पढ़ाई नुकसान हो रही है, बच्चे सब चीज नुकसान हो रहा है, वो तो होना ही है। खाना वगैरह कैसे करती हैं आप लोग, कहाँ पकाती हैं, क्या करें है, पीछे बना लेते हैं, किसी किसी टाइम नहीं होता, ईंट जोड़ करके, हाँ ईंट जोड़ के पक जाता है, खा लेते हैं, नहाना धोना ये सब दूसरा क्या हो, पड़ोस में जा, पड़ोस में हो रहा है, कब तक इस तरह से जिंदगी होगी, कब तक पड़ोस देगा भाई सहारा, कब तक पड़ोस करेगा, हम लोग तो बेघर से हो गए हैं, पड़ोस कब तक साथ देगा, हम लोग का घर चाहिए, हम लोग का जमीन चाहिए, इतना बहुत है, घर यही चाहिए जी, घर यही, खून पसीना लगा हम लोग, भराव करते करते बूढ़े हो गए, पैसा लगा हुआ है, वही कह रहा हूँ, भराव करते करते बूढ़े हो गए, इसी में बहुत दलदल था, हम लोग भराव किए, इसमें पानी था जब हम लोग इसमें आके बसे हैं, इतना इतना करके तादनी, कितने साल से आप हैं यहाँ पर? बहुत साल हो गए, 30-35 साल हो गए इसमें, 35 साल हो गए, और क्या, आज से हूँ, बहुत दिन हो गया, मैं बहुत दुखता है, बहुत खलता है, बहुत खलता होगा, जरा सोचिए, आइए इधर आइए, जरा सोचिए किस तरह से इस ईंट पर बैठती होंगी, हालांकि 5 मिनट बैठना भी मुश्किल हो चला है, बेटा ये स्कूल से आई, यहाँ जा रही है, अच्छा एग्जाम देने के लिए जा रही हैं, चलिए अच्छे से जाइएगा, दूसरों के यहाँ तैयार होके आई, ओहो ये देखें, ये बच्ची स्कूल इनको जाना है यूनिफॉर्म पहनने के लिए, किसी पड़ोस के घर जाती हैं, यूनिफॉर्म पहनती हैं, रेडी होकर तब स्कूल जाती हैं, जरा सोचिए बेटी सुरक्षा की बात मोदी सरकार करती है,
है और बेटी सुरक्षा को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन किस तरह से परेशान हो रही है लोग ये जरा देखें। महिलाएं बेघर हो चुकी हैं, जिनके पास अपना मकान घर तमाम चीजें थी वो सब तबाह बर्बाद करने के बाद लोगों को महिलाओं को रोड पर लाकर रख दिया है। इनके पास खाने के लिए कोई रास्ता नहीं कि कहाँ पर खाना बनाए, कहाँ पर पकाए, कहाँ पर शौचालय, कहाँ पर नहाए, कुछ भी नहीं इनके पास। यानी पूरी तरह से जुल्म इनके ऊपर हुआ और ऐसा जुल्म किसी को नहीं करना चाहिए और हुकूमत द्वारा बुलडोजर द्वारा यह जुल्म आम आवाम पर लगातार किया जा रहा है। लेकिन इन बेबसी को कैसे बयां किया जाए, बहुत अफसोस है। यहाँ पर घर और मकान होने के बावजूद अगर इसे तोड़ दिया जाता है तो ये लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? सवाल अहम है, लेकिन सवाल ये भी क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करे और दखल देना भी बहुत ही जरूरी है ताकि इनको इंसाफ मिल सके। न जाने कितने घर तबाह और बर्बाद हुए, कितने परिवार ऐसे हैं जो तबाह और बर्बाद हो रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए रहने के लिए अब जगह नजर नहीं आ रही। मैं आपको कहां दिखाऊं, ये कहीं पर भी घर नजर नहीं आ रहा है। बहुत यानी कह सकते दुख की बात है कि आखिर इस तरह से सरकार द्वारा या बुलडोजर या डीडीए द्वारा क्यों किया जा रहा है। ये तमाम चीजों को मैं आपको दिखा रही हूं ताकि आप देखें कि किस तरह से लोग यहां पर परेशान और बदहाल परिस्थिति में हैं और किस तरह से रोड पर रखा जा रहा है। इस तरह से रोड पर लोग आ चुके हैं, ये देखें। चलिए बैठिए, आप भी बैठिए, देखूंगी। ये कहाँ पर बेटा, कहाँ पर? ये इस साइड में आती हूँ, यहाँ पर भी देखती हूँ कहाँ पर है। बहुत मुश्किल है यहाँ पर, ये देखें, ये एक घर बना हुआ है यहाँ पर, ये देखें किस तरह से ये लोग गुजर बसर कर रही हैं। कार्ड इनका कहाँ, ये घर है, ये देखें घर टूटने के बाद, आशियाना टूटने के बाद बेघर हुई महिलाएं ये देखें किस हालत में जी रही हैं। कल रोजा था, बारिश ऊपर से आ रही थी बड़ी। जी बारिश हुई थी, कैसे आप लोग रह रही थी? आ सकेंगे भाई, मैं न्यूज़ पे नहीं आ सकती। अच्छा, कैमरा पे नहीं आना चाहती हैं आप? जी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखें जरा, यहाँ पर बारिश होती है, बारिश में कैसे लोग जाते हैं, ये ईंट जोड़ जोड़ कर किसी तरह से लोग रह रहे हैं। जरा ये दिखाएं, आप साइड हो जाएं, ये देखें, ये जरा बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ा, ये देखें। जो लोगों का नाम जो आया, खुलासे जो है, उन लोगों तक मैं पहुँचने की पूरी कोशिश करूँगी कि आखिर ये लोग क्या है। ये देखिए, सोने के लिए बेड है, ये देखें बिछावन, ये जरा देखें, यहाँ पर सोते हैं महिलाएं, सोती हैं, किस कदर बेघर हो चुकी महिलाएं, बेबसी का ये आलम है। वो जरा मैं उधर भी देखना चाहूंगी। जी बिल आप ले लें, ये देखें, इधर भी मैं आपको लेकर चलती हूँ। यहाँ पर ये देख किस तरह से रह रही होंगी, अपना घर होने के बावजूद भी ये लोग बेघर हुए हैं। ये देख रहे हैं, ये तस्वीर आपके सामने है और राजधानी दिल्ली में हूँ, चमचमाती हुई दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में। और इस वक्त मैं ओखला विधानसभा में मौजूद हूँ, जाकिर नगर में, जहाँ पर घर तोड़े गए हैं, बुलडोजर चलाया गया, जुल्म किया गया है। यानी कई लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं, वो खुलासे भी होंगे। मेरे बराबर की कहाँ जाती है वो लोग? वो रात में तो यहीं पे रहते सब, मगर सुबह में लैट्रिन बाथरूम बाहर चाचा के यहाँ जाती, सब यहीं पे पड़े हुए हैं। देखे आपने, खाना वाना सब यहीं पे खा रहे हैं। इसी तरह है, ये नहीं पता चला किस वजह से टूटा है, ये क्यों तोड़वाया गया है ये नहीं बताया। इतना मुसीबत भरे हम, कम वक्त कोई हमारी इधर मदद करने के लिए नहीं, कोई मदद के लिए तैयार नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वोट लेने के लिए आते हैं यहाँ? बिल्कुल, हाथ जोड़ जोड़ के आते हैं, हम आपके साथ हैं। ये बताइए वो कहाँ है इस टाइम, क्यों नहीं आ रही है यहाँ पूछने के किस हाल में? और रात बारिश थी, मौसम खराब हो रहा था, तो बताइए क्या करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए क्या नहीं? अब की हमारी ये राय है, हम किसी को वोट ऐसे नहीं देंगे, बिल्कुल भी बिल्कुल। चलिए मैं अब दूसरे वाले आके बोलते कि हम वोट आपके साथ है, किसी तरह के हमारा साथ कोई नहीं दे रहा, कोई नहीं दे रहा। अब आप लोगों को समझ में बात आ गई, बिल्कुल यही होता है जब सत्ता काबिज करना होता है। लोग बच्चे को गोद में लेकर घूमते हैं, नेता आते हैं, साग रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, गंदे गंदे बच्चों को उठा लेते हैं, लेकिन जब वो बेघर होते हैं, बेघर किया जाता है, उसके बाद कोई देखने के लिए उनको नहीं आते किस स्थिति में, कैसे लोग जिंदा है नहीं है।